अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग हुआ कन्फर्म। मनी इन द बैंक के अंदर आया एक बड़ा चेंज और मंडे नाइट रॉ में एजे और सेथ कहां थे जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की इस वीडियो में हम तीन बड़े टॉपिक कवर करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, तो ऐसे में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो आज की मंडे नाइट रॉ काफी अच्छी थी, जहां दोस्तों शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि मिस टीवी पर आते हैं रोमन रेंस और उनके ऊपर हो जाता है अटैक, जो कि करते हैं लैशली और अलायस। वहीं शेन मिकमैन ने उनका ध्यान वहां भटकाए रखा था रैंप के ऊपर से, और ऐसे में वो उनका मैच भी बना देते हैं जो कि एक टैग मैच था, यानी कि रोमन रेंस एंड द मिज वर्सेस अलायस और लैशली के बीच में। इस मैच के अंदर शेन मैक डाल देते हैं गंद, यानी कि इंटरफेयर वो वहां कर देते हैं, और देखने को मिलता है कि द मिज और रोमन रेंस वहां तीनों की कर देते हैं गंदे वाली पिटाई। तो रॉ की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन बात कर ली जाए बाकी के सेगमेंट्स की तो गाइज वहां हमें एक और मैच देखने को मिला जो कि था बैरन कॉर्बिन वर्सेस रिकोशे के बीच में, जिसके अंदर बैरन कॉर्बिन जीते, वो अपने साथ मोमेंटम ले जा रहे हैं। वहीं बात कर ली जाए दोस्तों कौन सा बड़ा सेगमेंट हमें देखने को मिला, तो गाइज मनी इन द बैंक के अंदर आ चुका है चेंज, और वो आया मेन इवेंट के अंदर जहां मैच था आपके ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस सेमी ज़ेन के बीच में। मैच की खास बात क्या थी कि इसके अंदर दो स्टिपुलेशन लगी हुई थी, पहली तो ये कि ये मैच होगा फॉल्स काउंट एनीवेयर, और दूसरी स्टिपुलेशन ये थी कि अगर सेमी ज़ेन इस मैच को जीत जाते हैं तो गाइज वो एड हो जाएंगे मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर। और यहाँ होता क्या है कि मैच काफी अच्छा जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां देखने को मिलता है कि बैक स्टेज जब ले जाते हैं सेमी ज़ेन और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक दूसरे को, तो वहां दोस्तों आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बिन, दोनों मिलकर कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की पिटाई। वहीं अंतिम क्षणों में भी दोस्तों हमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है वहां ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बिन की, और उसी के चलते दोस्तों सेमी ज़ेन मैच को जीत जाते हैं। हालांकि उसके बाद मैच के बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना बदला लेते हैं, लेकिन इससे ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अब गाइज सेमी ज़ेन होंगे लैडर मैच का पार्ट, ना कि ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो काफी बड़ा चेंज आ चुका है लैडर मैच के अंदर, लेकिन अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो आज एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस कहां थे, एक बड़ा सवाल है। तो पहली चीज तो ये कि ये रॉ हो रही थी यूएस से बाहर, यानी कि लंदन में। वहीं बात की जाए कि दोनों क्यों नहीं थे, तो गाइस दोनों नहीं, सिर्फ एक रेसलर रॉ का पार्ट नहीं था। दरअसल एजे स्टाइल्स ने रॉ खत्म होने के बाद एक डार्क मैच में पार्टिसिपेट किया है जो कि मैकइंटायर के खिलाफ था, लेकिन रॉलिंस वहां नहीं थे। रॉलिंस और एजे का मेन शो में ना होना कहीं ना कहीं इशारा है दोस्तों कि कल की स्मैकडाउन के अंदर वो एज ए वाइल्ड कार्ड आ सकते हैं, और दोनों ही रेसलर्स यानी कि एजे और सेथ वहां उद्धम मचा सकते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों बात की जाए रॉ की, तो रॉ से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ये रॉ लाइव नहीं थी, ये पहले से रिकॉर्डेड थी, प्री रिकॉर्डेड थी। और इस पर दोस्तों स्पॉयलर्स मैं पहले ही गिरा सकता था, यानी कि बीते कल ही मैं बता सकता था कि रॉ के अंदर क्या होगा, लेकिन सिंस दोस्तों मुझे खबर काफ़ी बाद में पता चली तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जैसे ही स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स अगर आते हैं तो वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग से। तो गाइस काफी बढ़िया खबर आ रही है, अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग हो चुका है कन्फर्म। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अंडरटेकर फेस करने जा रहे हैं बिल गोल्डबर्ग को 7 जून को होने वाले सऊदी अरेबिया वाले इवेंट के अंदर। अब यही खबर नहीं है दोस्तों, दरअसल इस इवेंट का नाम भी सामने आ चुका है, और गाइज इसका नाम होने वाला है सुपर शोडाउन। और इसके मेन इवेंट के अंदर जो फाइट देखने को मिलेगी वो होगी गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो दोस्तों काफी बढ़िया खबर है। वहीं बात की जाए इस खबर के सोर्स की, तो गाइस खुद WWE वालों ने कल रात इसे कंफर्म कर दिया था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और वहां दोस्तों उन्होंने एक और मैच कंफर्म किया है, वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच, और वो भी इस पीपीवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफी मजा आने वाला है दोस्तों, अंडरटेकर और गोल्डबर्ग का जो मैच है वो एक ऐसा ड्रीम मैच है जो कि आज से कई साल पहले मैंने ड्रीम किया था, सोचा था कि काश ये देखने को मिल जाता, और आज दोस्तों ये देखने को मिलने वाला है, यानी कि नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन सवाल काफी बड़ा है दोस्तों कि इसके अंदर कौन जीतेगा और किससे आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताना मत भूले। आप अब हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।